ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बाबा कहते हैं कि परम धाम का गेट सबके लिए एक समय पर खुलेगा, जो जितना तेज दौड़ लगा सकते होंगे वो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाए। ये संदेश 1969 में बाबा ने दिया। सीटी बजी, दरवाजा खुला और कुछ भागे, कुछ कहां अटके, कुछ कहां अटके, कुछ कहां अटके, कुछ कहां और जो सारे विकारों को जीत कर दौड़ कर अपनी सीट पर पहुंचे वो भाग्यशाली। परंतु आज विषय अलग हो गया, क्योंकि ये प्रश्न उठा तब है जब हमने बाबा की 16 अप्रैल 2019 की मुरली के आधार पर ये समझा कि परम धाम परम अवस्था है। परम धाम कोई स्थान नहीं है, परम धाम कोई ऊपर नहीं है, परम धाम आध्यात्मिक दृष्टि से 5 तत्वों के पार है। 5 तत्व उस परम धाम को टच भी नहीं कर सकते। पांचों तत्व आध्यात्मिक दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से 118 115 जितने भी तत्व बोलते हैं, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, तो चाहे वो गैस है, कोई भी एलिमेंट आत्मा को टच नहीं कर सकता, आत्मा को चेक नहीं कर सकता। और आत्मा उनकी अवस्था में कोई अंतर नहीं ला सकता। आत्मा ना तो आकाश का स्थान कुछ कम ज्यादा करता, किसी भी एलिमेंट में जाने के बाद उसकी शेप में, उसके रूप में, उसके वेट में, उसके गुणों में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम बहुत छोटे से एग्जांपल से ध्यान से समझेंगे। एक रूम खाली है तो खाली में क्या है? आकाश है। वहां हम एक और कुर्सी लेकर के आते हैं, कुर्सी ने आकाश को कम कर दिया या नहीं किया? नेचुरल कम कर दिया। एक और कुर्सी आई, एक और कुर्सी आई और हमने सारे कमरे के अंदर सामान भर दिया, अब आकाश कम। ध्यान से समझ लीजिए,
मतलब उस वस्तु ने उस स्पेस को अपने स्थान से हटा दिया, परंतु आत्मा या परम आत्मा कोई फर्क नहीं करता। तो परम अवस्था परम धाम है, परमपिता परमात्मा हर समय परम अवस्था में है, और परम अवस्था को कहा जाता है नो थॉट। थॉटलेस स्टेज को परम धाम कहा जाता है, परम अवस्था कहा जाता है, जहां हर आत्मा जब थॉटलेस होती है वो परम धाम में है, परम अवस्था में। वो परम धाम है और वो आत्मा की परम अवस्था है। अब उसके गेट कहां खुलेंगे? उसका साइज जीरो। पानी में चला जाए तो भी जीरो, स्पेस में चला जाए तो जीरो, सॉलिड में चला जाए तो जीरो, कहीं भी चला जाए आत्मा वो जीरो। जीरो मींस नो इफेक्ट। चाहे जीरो को कुछ भी करो वो स्वयं नहीं बदलता और दूसरे के ऊपर भी प्रभाव नहीं लाता। जीरो में कितने जमा करो वो जीरो रहता है। तो परम धाम परम अवस्था सब जगह है, परंतु उसको कोई जगह नहीं कह सकते। इसलिए बाबा ने शब्द प्रयोग किया पांचों तत्वों से पार जहां कुछ नहीं है, क्योंकि पांचों तत्वों में होते हुए पांच तत्व के साथ होते हुए भी पांचों तत्वों से नियारा। जो जल्दी से मौखिक रूप से विज्ञान का छात्र भी मानने वाला नहीं, परंतु थोड़ा सा विचार करेंगे तो निश्चित विश्वास होगा। इस बात को बहुत अच्छी तरह समझने के लिए पूरा एक घंटे का वीडियो है जहां आप देखेंगे परम धाम कहां है, कैसा है, कितना बड़ा, जीरो। विस्तार से वहां मुरली के उदाहरण को देखते हुए, मुरली को स्पष्टीकरण देखते हुए आप समझ सकते। अब आपका प्रश्न का आंसर कि परम धाम का गेट सबके लिए एक समय पर खुलेगा, वो गेट फिर कहां है? उस अवस्था में जाने का गेट बाबा ही आकर खोलते, और उसी समय गेट खोला जिस समय हमें पहचानती है। उसी समय हमारी दौड़ शुरू हो गई जब हमने उस रास्ते पर चलना शुरू। और रोज हमारा एग्जाम हो रहा है, कभी काम विकार का तो लोभ का, मोह का, अहंकार का, स्वर्ग की ओर दौड़। ये चित्र बना हुआ है हमारा, स्वर्ग की तरफ दौड़। तो उस दौड़ में
काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये पांचों बाधा बनती हैं। जब हम इन पांचों पर विजय प्राप्त करते हैं तो परम धाम जाते। जब हम इन पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हम ऑटोमेटिक परम अवस्था में पहुंच जाएंगे। और परम अवस्था भी सबकी नंबर वार होगी। उसी नंबर वाली अवस्था से हम आत्माएं इस संसार में निश्चित समय पर पाठ बजाने के लिए आएंगे। पांचों तत्वों 115 तत्वों से पार, जहां कुछ भी नहीं, क्योंकि स्पेस कितना चाहिए, जीरो। सारे वर्ल्ड की आत्माओं को स्पेस कितना चाहिए, जीरो। इसके साथ दूसरा प्रश्न भी आपने पूछ लिया कि परम धाम की कोई स्थूल निश्चित जगह है? तो हमें समझ में आता है, क्योंकि आत्मा स्थूल नहीं है, परम आत्मा स्थूल नहीं है, उसकी कोई स्थूल निश्चित जगह भी नहीं है। जीरो। अरबों 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 आत्माओं को एक जगह पर इकट्ठा करने का प्रयास किया जाए तो नो स्पेस। कितने भी जीरो जमा की जाए, कोई स्पेस की जरूरत नहीं। पूरा यूनिवर्स, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सब एलिमेंट्स पर कोई प्रभाव नहीं। इसके साथ आपने तीसरा क्वेश्चन भी साथ में जोड़ दिया कि परम धाम परम अवस्था है, फिर बाबा क्यों कहते हैं कि परम धाम ऊपर है? क्योंकि हम भी कोर्स कराते रहे, परम धाम ऊपर है, सूरज चांद सितारों से भी ऊपर है। परंतु समझाते वक्त मेरे को घुटन होती थी कि परम धाम यदि ऊपर है, मैं पृथ्वी पर हूं, पृथ्वी मूव कर रही है, तो परम धाम भी मूव कर रहा है, या परम धाम चारों तरफ है और कहीं तक भी हम हद कर लें कि यहां तक आकाश है, ग्रह है, तारे हैं, जो कुछ भी है, कितना बड़ा, उसके बाद भी कुछ है, आकाश नहीं है, कुछ है, और वो उतना बड़ा है जितना बड़ा सारा ब्रह्मांड भी, उससे भी बड़ा होगा। उसके बाद कोई चार दीवारी है क्या? ये मेरी अंदर कुरेदता रहता था। और 16 अप्रैल 2019 की मुरली में, जिसको विस्तार से आप देखेंगे, ध्यान से समझेंगे कि परम धाम कहां है, ये वंडरफुल मुरली, और ये वंडरफुल वीडियो बाबा ने बनवाया। बहुत ध्यान से उसको देखिए,
परम धाम ऊपर है का मतलब श्रेष्ठ अवस्था है। जैसे स्वर्ग ऊपर है कह दिया, पताल को नर्क को बॉटम में कह दिया, पताल कह दिया। वास्तव में नर्क कोई पाताल में नहीं है, स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, इसी ही पृथ्वी पर स्वर्ग होता है, इसी ही पृथ्वी पर नर्क होता है। जब हमारा करैक्टर टॉप पर होता है तो यही धरती स्वर्ग होती है, और जब हमारा करैक्टर बॉटम में आता है तो यही धरती नर्क होती है। तो चरित्र का उत्थान होना, आत्मा की अवस्था का उत्थान होना परम धाम परम अवस्था है, और चरित्र का पतन होना, आत्मा का गिरना नर्क और तमो प्रधान अवस्था। और अच्छी तरह से समझना हो तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर।